खरगोन जिले से 15 लाख से अधिक का खाद्य तेल जब्त करने का मामला सामने आया है। बता दें कि 1800 क्विंटल सरकारी गेहूं होने पर जब्त किया गया। खाद्य तेल पैकिंग व भंडारण अनुमति नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। नियम विरुद्ध खाद्य तेल पैकिंग कर रहे संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मौके से पाम ऑयल, काकड़ी का तेल, सरसों का तेल मिलने पर मिलावट की आशंका जताई गई है। वहीं मूंगफली तेल से मिलावट का खुलासा डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया गया। वहीं खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, संबंधित ये मित्तल ऑयल मिल और गंगा ये है ट्रेडिंग, इसके यहाँ की प्राइमरी तौर से शिकायत थी, उसके आधार पर माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार कार्रवाई के लिए आए हैं। किस प्रकार कार्रवाई हो रही है वर्तमान में? करीब करीब संयुक्त कार्रवाई है, इसमें फूड सप्लाई, फूड्स ड्रग कंट्रोल, मंडी, लेबर, नापतोल, एमपीबीएसी, 6-7 विभागों की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें जो कुछ चीज़ें हमको आइडेंटिफाई हुई हैं, जिस शिकायत में, तो उसके आधार पर हमने उसको आइडेंटिफाई करा है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। तो किस प्रकार की अनियमितता पाई? वर्तमान में पाई गई एक तो अनकंडीशनल जगह पर जो ऑयल बन रहा था, इसमें अलग अलग वेराइटी के थे, सरसों का ऑयल थे, मूँगफली ऑयल है, सर ये क्या बोलते हैं आपका इसका पाम ऑयल है, मतलब ऑयल की बहुत सारी वैरायटी मिली है जो उनके लिस्टेड से अनुकूल नहीं है। और जो एक और सब्सिडी खासियत यहाँ मिली है कि जो प्रिंटिंग वहाँ पर जो पैकिंग हो रही थी उसका लाइसेंस नहीं है, मतलब मशीन एक तरह से अवैध चलाई जा रही थी। कितना जो मटेरियल से जब्त हुआ, कितने की लागत था, कितना? उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास, करीब करीब 15 लाख के आसपास अभी हमने मटेरियल जब्त करा है और उसके अतिरिक्त और चीज़ों भी जब्त की गई है। गेहूं भी जब्त किया? गेहूं की हाँ, करीब करीब 1800 से 1900 क्विंटल गेहूं आइडेंटिफाई करा है, जिसके लिए मंडी आए हैं और DSO साहब हैं, और अभी हम उसको पेपर वगैरह उनसे मांगे गए हैं कि ये जो गेहूं है वो कहाँ से इन्होंने प्राप्त करा है, क्या क्या यूज, उसके लिए हमने प्रपत्र मांगे गए हैं। क्या आशंका लग रही है गेहूं को लेकर? नहीं, प्राइमरी फेसी में है, अपन किसी चीज़ को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है वो अपने कागज देंगे। मंडी वालों ने कहा कि इसको ट्रेडिंग का लाइसेंस है, वहाँ से वो परचेस करता है और करता, तो उसके संबंध में हमने इनसे कागज मांगे हैं, मंडी से बिल्टी वगैरह और कागज मांगे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के नॉलेज में हर चीज़ है, उनके आदेश से ही अपन ने जो स्थिति नजर आई है, ऐसा लगता है कि मिलावटी तेल जो बाजार में जा रहा था उसमें तेल की संख्या, हाँ क्यों नहीं, उसमें मतलब वो कंडीशन तो दिखी है मिलावटी तेल से रिलेटेड थोड़ा इशू, और कुछ जो एक कंडीशन है FCCI का जो कंडीशन है उस मानकों के विपरीत भी कुछ चीज़ें यहाँ पाई। हाँ क्यों नहीं, फूड और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ही हमारे हैं, इन सब लोगों ने कार्रवाई करी। और JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।